हेलो गाइस, मैं हूं आप सबकी दोस्त केके मैम और वापस आई हूं आज लेके पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट टू। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, हमने समझ लिया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या है और इंग्लिश लैंग्वेज में कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच है और वो कौन से हैं। तो जैसे फिर से बताती हूँ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम बोल रहे हैं उसी बोलने के अलग अलग टुकड़े और उन टुकड़ों को क्लासीफाई करके जो भी उनका क्लासिफिकेशन किया गया एट टाइप्स में, उन्हें हम कहते हैं एट पार्ट्स ऑफ स्पीच। कौन से हैं? मैंने तीन ग्रुप्स में ग्रुप फॉर्म किए थे। पहला ग्रुप था नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, दूसरा ग्रुप था वर्ब एंड एडवर्ब और तीसरा ग्रुप था प्रेपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन। मैंने आपको बताया था इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो आज हम पहला ग्रुप पढ़ते हैं, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वाला ग्रुप, पहला ग्रुप और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप, क्योंकि यहां से तो हमारे ग्रामर की शुरुआत होती है नाउन से। वैसे हर चीज की शुरुआत नाउन से ही होती है, क्योंकि अगर किसी चीज का हमें नाम ही पता नहीं तो उस चीज की कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम खुद का नाम भी बहुत प्राउडली बताते हैं, मेरा नाम ये है, उसका नाम वो है, उसका नाम वो था, पता है क्या वो कौन था, वो ये था। तो इस तरह से हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं अपने नाम से, अपने नाम से हम अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे कि देखो एसआरके ट्यूटोरियल्स, मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है, प्राउडली बोल सकती हूं मैं कि ये मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है। मेरा आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी हम अपने नाम से बनाते हैं। तो इसलिए नाउन ये बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी लैंग्वेज में और किसी भी लैंग्वेज के ग्रामर। तो नाम का नाउन का मीनिंग आपको पता चल गया, किसी भी चीज का नाम, फिर वो चीज कोई भी हो सकती है। किसी का खुद का नाम ले लीजिए या किसी चीज का नाम ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, माई नेम इज खुशबू खराड़े। तो ये हो गया नाउन, मेरा नाम है तो खुशबू खराड़े हो गया नाउन। अगर मैं बोलूंगी कि मेरे पास एक बिल्ली है, बिल्ली का नाम है जेरी, जेरी इज अ नाउन। पर कैट ये भी एक नाउन है। क्यों? क्योंकि एनिमल्स है बहुत सारे एनिमल्स में अलग अलग ब्रीड्स है, उन अलग अलग ब्रीड्स के हमने अलग अलग नाम लिख दिए, कैट, डॉग, एलिफेंट, टाइगर, मंकी, कैमल, जिराफ। एनिमल है पर एनिमल में भी उनके स्पेसिफिक नाम है, तो फिर कैट भी खुद में एक नाउन है। फिर कैट में और स्पेसिफिक हो गया, मेरे घर के कैट का नाम जेरी है, तो कैट में भी और स्पेसिफिक हो गई मैं, तो जेरी भी एक नाउन है। तो फिर किसी भी चीज का नाम रहने दीजिए। माउंटेन भी एक नाम है, हिमालय भी एक नाम है, माउंटेन भी एक नाम है, हिमालय भी एक नाम है। अब ये कौन से टाइप के नाउन है, ये हम स्पेशली जब भी नाउन का वीडियो पढ़ेंगे, नाउन एंड इट्स टाइप, उसमें आपको स्पेसिफाई होगा कि माउंटेन कौन से टाइप का नाम है और हिमालय कौन से टाइप का नाउन है। पर सबके सब नाउन है, सबके सब नाम है। सो किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं, और नाउन को ही हम शॉर्टकट में नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग, सो नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एज नाउन। अब नाउन तो समझ गया भाई, ये प्रोनाउन क्या चीज है। कभी कभार अगर हमारे स्कूल या कॉलेज में देखें, कभी कभार अगर प्रिंसिपल अब्सेंट रह गए तो प्रिंसिपल का काम कौन करता है, वाइस प्रिंसिपल करता है। या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनी हो तो कंपनी में प्रेसिडेंट भी होता है, वाइस प्रेसिडेंट भी होता है। या फिर हमारे कंट्री का ही ले लीजिए, हमारे पास प्रेसिडेंट भी है, हमारे पास वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो हर जगह सिर्फ लीडर नहीं होता, लीडर के नीचे सब लीडर होता है। जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल भी है और वाइस प्रिंसिपल भी है। बाय एनी चांस अगर प्रिंसिपल अब्सेंट है, बाय एनी चांस प्रिंसिपल काम नहीं कर रहे, तो प्रिंसिपल की जगह ले लेते हैं वाइस प्रिंसिपल। वैसा ही रिश्ता है नाउन और प्रोनाउन का। अगर नाउन प्रेजेंट नहीं है तो नाउन की जो जगह लेगा उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि माय नेम इज खुशबू, I am a teacher. अब पहले सेंटेंस में नाउन की जगह नाउन है खुशबू, पर सेकेंड सेंटेंस में मैंने ये नहीं कहा कि खुशबू इज अ टीचर, मैंने क्या कहा, I am a teacher.
तो मैंने खुशबू को रिप्लेस कर दिया आई से। तो जब भी ऐसे होता है कि पैराग्राफ जब हम बनाते हैं तो एक ही नाउन कई बार रिपीट होने वाला होता है, खुशबू 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 खुशबू, या फिर किसी का भी नाम एक ही नाउन कई बार रिपीट होने वाला होता है, तो उस रिपीटेशन से वो पैराग्राफ पढ़ने में बोरिंग होने लगता है। तो उस बोरिंगनेस को कम करने के लिए हम नाउन को रिप्लेस कर देते हैं प्रोनाउन से। सो पैराग्राफ में पहले सेंटेंस में हम जो भी नाउन होगा वो नाउन यूज करते हैं, और बाद में जब भी नाउन आने वाला होगा उसके जगह पे हम प्रोनाउन यूज करते हैं, जैसे कि आई, ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये सारे प्रोनाउन्स हैं। बॉय रहा तो हम ही यूज करते हैं, गर्ल रही तो शी यूज करते हैं, अगर कोई चीज है तो हम इट यूज करते हैं, अगर हमें सामने वाले को ही बोलना है तो हम यू यूज करते हैं, अगर हमें साथ में दो लोगों को बोलना है, दो तीन लोगों को, तो हम वी यूज करते हैं, खुद के लिए बोलना है तो हम आई यूज करते हैं। तो जो भी हम नाउन के जगह पे यूज करने वाले हैं उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का रिलेशन है, वैसे ही नाउन प्रोनाउन का रिलेशन। अब नाउन और प्रोनाउन तो क्लियर हो गया, अब इनके ही साथ ये ऑब्जेक्टिव क्यों आया है? नाउन प्रोनाउन तो सुनने में भी सेम लगते हैं भाई, एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव तो बहुत ही अलग लगता है। इन्हीं नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ तो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड हो जाता है एडजेक्टिव। जैसे कि शी इज अ गुड डांसर। देखो शी प्रोनाउन है क्योंकि मैंने डायरेक्टली नाउन नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली नाम नहीं लिया, मैंने नाम के जगह पे शायद कोई भी होगा वो लड़की का नाम, गीता, सीता, बबीता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वो लड़की है वो लड़की का नाम ना लेते हुए मैंने शी कहा, तो शी हो गया यहाँ पे मेरा प्रोनाउन। मैंने बोला कि वो डांसर है, डांसर ये भी एक नाउन है। मैंने बोला वो डांसर है, पर वो कैसी डांसर है? वो अच्छी डांसर है। तो मैंने बोला कि वो डांसर है, डांसर इज अ नाउन, मैंने बोला वो डांसर है, पर मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि वो डांसर है, मैंने कहा कि वो अच्छी डांसर है। तो ये जो अच्छी वर्ड है, ये जो गुड वर्ड है, ये हो जाता है हमारा एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बैड टीचर। मजाक है दोस्तों, अगर मैंने बोल दिया आई एम अ बैड टीचर, टीचर तो मैं हूं पर कैसी हूं? बैड हूं। हमेशा जरूरी नहीं होता कि हर टीचर हमें अच्छी लगे, कोई टीचर हमें अच्छे लगते हैं, कोई बुरे भी लगते हैं। किसी किसी का पढ़ाना हमें समझ में आता है, किसी किसी का नहीं आता है। तो हम डिफाइन करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमारा टीचर अच्छा है या बुरा है। तो टीचर ये एक नाउन है, पर हम बताते हैं कि फिर वो अच्छा है या बुरा है। तो ये जो वर्ड है अच्छा एंड बुरा, गुड एंड बैड, ये नाउन के बारे में हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो फिर ये हो जाता है एडजेक्टिव। तो याद रखिए दोस्तों, नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड हो जाता है एडजेक्टिव। तो ये पहला ग्रुप था हमारा, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। नाउन किसी भी चीज का नाम, नेम, नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड एज नाउन। नाउन की जगह लेने वाला वर्ड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला वर्ड एडजेक्टिव। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला ग्रुप। दूसरे ग्रुप के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं, सो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।